नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो में NCERT क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ज्योग्राफी, भूगोल का चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित चार प्रश्न के उत्तर चुनिए, मतलब इन चार ऑप्शन में से इसका उत्तर चुनना है। नंबर एक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा या त्रिपुरा। तो आंसर है ओडिशा। राजस्थान से, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, और किस राज्य से नहीं गुजरती है, वो है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो वो है 97°25' संतानवे डिग्री पच्चीस ईस्ट। ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो आंसर देखेंगे, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो इसमें से किसको छूती है, तो वो छूती है नेपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि आप आदि कवस्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। कवस्ती जाना चाहेंगे तो आप किस या कौन से केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो वो जाएंगे लक्षद्वीप में। कौन से क्षेत्र में जाएंगे, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है। भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान या नेपाल। तो दोस्तों, कौन सा देश है वो, तो वो है ताजिकिस्तान। कौन सा देश है, ताजिकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। उत्तर देखेंगे, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। दोस्तों, उत्तर देखेंगे, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा रूस क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। कौन कौन से देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, रूस क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो आंसर है, हमारे उत्तर पश्चिमी में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान,
उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल एवं भूटान तथा उत्तर पूर्वी में म्यांमार तथा बांग्लादेश स्थित है। हमारे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल एवं भूटान तथा उत्तर पूर्वी में म्यांमार बांग्लादेश स्थित है। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो उत्तर देखेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्योदय क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? आंसर देखेंगे, भारतीय मानक समय से अभिप्राय उस समय से है जो समस्त भारत में मान्य है। हमारे देश भारत में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को मानक माध्य रेखा स्वीकार किया गया है। इस विशेष स्थान के स्थानीय समय को सारे भारत में मानक समय के रूप में स्वीकार किया गया है। हमने 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को मानक माध्य रेखा इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि यह रेखा भारत के लगभग बीच में है, इसलिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों के लिए यह ठीक पड़ती है। इससे ऐसी कई प्रकार की गड़बड़ियों को रोका जा सकता है जो भिन्न भिन्न स्थानीय समय अपनाने के कारण हो सकती है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर है। यदि गणना की जाए तो भारत के देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 70 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व में भी लगभग 30 डिग्री का अंतर पैदा होता है। अतः 30 डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी को लगभग 3 × 4 यानी 30 × 4 यानी कि 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है, यानी 120 मिनट का समय लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति में इसे किस प्रकार लाभ हुआ? यदि विश्व के मानचित्र पर नज़र डालें तो भारत की केंद्रीय स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और ख़ास तौर से हिंद महासागर में जो इसे केंद्रीय स्थान प्राप्त है, जिसने इसे विभिन्न प्रकार से लाभान्वित किया है, जो इस प्रकार है। तो किस प्रकार लाभान्वित किया है? नंबर एक है, 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण भारत पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में स्थित देशों से, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, जापान तथा कई अरब, अफ्रीकी, यूरोपियन आदि देशों के साथ आसानी से व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय लोग
भारतीय लोग अपनी समुद्री स्थिति के कारण न केवल अन्य देशों से व्यापार करने में सफल हुए अपितु श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि विभिन्न देशों में अपनी बस्तियां भी बसाई, जिससे भारतीय बौद्धिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अन्य देशों में हुआ। नेक्स्ट है हिंद महासागर। हिंद महासागर में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय तट रेखा ही सर्वाधिक लंबी है, यानी कि भारतीय तट रेखा ही सर्वाधिक लंबी है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम की तरफ से जाने वाले प्रत्येक समुद्री जहाज भारत के किसी न किसी बंदरगाह से होकर गुजरता था, अतः यहाँ के लोगों को तट शुल्क के रूप में काफ़ी धन मिलता था, साथ ही भारतीय व्यापार को प्रोत्साहन भी मिलता था। नंबर चार देखेंगे, यदि भारत के तीन ओर समुद्र न होता तो वर्तमान में अपने हवाई जहाज़ों के लिए अनेक देशों के ऊपर से उड़ान भरने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता अनुरूप कई अंकुश लग जाते, क्योंकि कई देशों से हवाई जहाज़ों के माध्यम से व्यापार करते और अन्य देशों के ऊपर से उड़ के जाते तो उनके अंकुश लग जाते हैं।